नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हम तकलीफ में हैं तभी खुद सड़क पर आ उतरे हैं, वरना सबको मंजिल तक पहुंचाना हुनर है हमारा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो आम जनता की जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम जनता को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, एक हम सफर तो नहीं पर एक साथी का फर्ज जरूर निभाते हैं। अब सर्दी हो या गर्मी, दिवाली हो या होली, रक्षाबंधन हो या ईद, हम अपनी जिम्मेदारी आपको आपके मंजिल तक पहुंचाकर पूरी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी परिवहन कर्मियों की। अपनी समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहे हैं और उनको हर जगह से समाधान नहीं बल्कि कोरा आश्वासन मिलता है, और जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो हर दिन बस लेकर सड़कों पर उतरने वाले आज खुद सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में परिवहन निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों की समस्याओं के 40 सूत्रीय मांग पत्र, समस्याओं का निस्तारण नहीं होने और लगातार उत्पीड़न के चलते आज एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास ने किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश महामंत्री और हमेशा परिवहन कर्मचारियों की आवाज उठाने वाले जसवंत सिंह ने अपनी बात सी न्यूज भारत पर रखते हुए निगम अधिकारियों पर जमकर हमला बोला। देखिए, लगातार कुछ महीनों से हमारे संगठन के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा भी समस्याओं को लिख करके प्रबंध निदेशक, प्रमुख सचिव परिवहन को दिया गया, लेकिन उन समस्याओं का समाधान होने की बजाय शोषण और उत्पीड़न बढ़ गया। साथ ही साथ धन अभाव में हमारे कर्मचारियों को देख नहीं मिल पा रहे, जबकि पिछले 8 महीने से 2000 से 2500 बसें का कर्टेलमेंट हो रहा है। कहीं तो संविदा के चालक परिचालक को 50% आय ना आने पे 2000 रुपया वेतन से प्लस रूट ऑफ कर दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं, क्या दंड केवल छोटे कर्मचारियों के लिए है, आईएएस अफसरों के लिए नहीं है? क्या एमडी साहब जिम्मेदार नहीं है कि 2000 बसें जो कट रही है, जिससे कि 5 से 7 करोड़ रुपया प्रतिदिन का परिवहन निगम को नुकसान हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? साथ ही साथ स्पेस पार्ट्स का अभाव है। परिवहन निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दी, दंगा मार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और लेकिन परिवहन निगम को इतना पैसा देने के बाद स्पेयर पार्ट के अभाव में, चालक प्रचालक के अभाव में हमारी गाड़ियां खड़ी भी हो रही है और रास्ते में ब्रेकडाउन भी हो रही है। परिवहन निगम की छवि धूमिल होने के साथ साथ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सब विश्वसनीय सरकार बदनाम हो रही है। हमारा जो यात्री कर है, जो हमारा यात्री कर प्राइवेट से इतना ज़्यादा है कि हम एक्स्ट्रा यात्री कर के रूप में 300 करोड़ से ज़्यादा हम पैसा देते हैं। हमारे संविदा के चालक परिचालक का शोषण है, आउटसोर्सिंग के लोगों का बीमा नहीं है, उनके रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया भुगतान नहीं होता है, रास्ते में चलते हुए गलत रिपोर्ट पर संविदाएँ समाप्त हो रही है। अभी रुपड़िया वाले मामले में मैंने बृहस्पतिवार को एमडी साहब को बताया, लेकिन एमडी साहब ने उसका संज्ञान नहीं लिया। ऐसे छोटे मामले में भी यदि एमडी अपने छोटे कर्मचारी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो किसको विश्वास होगा? ऐसी तमाम समस्याएं हैं। हमारे यहाँ डीए नहीं मिल रहे हैं, हमारे यहाँ स्थानांतरण नीति, जो ठोस स्थानांतरण नीति आई थी पिछले सत्र और इस सत्र में, परिवहन निगम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। परिवहन निगम में लाभ पहुँचाने के लोगों को इधर उधर किया गया, किसी ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, उसका ट्रांसफ़र बाद में निरस्त कर दिया गया। ऐसी वो तमाम 40 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें परिवहन निगम, मैं कहना चाहता हूँ, हम सड़क पर नहीं आना चाहते थे, हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हम केवल माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा करके शांतिपूर्वक तरीके से हमारी समस्याओं का निदान चाहते। जब हमारे लोग आए तो ये एमडी साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये एमडी जो आते हैं साल दो साल के लिए आते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी खपा दी है, हम अपने आंदोलन के लिए, अपनी समस्याओं के लिए अपने घर में नहीं बैठ सकते, शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकते। जो अधिकारी हमारे साथ हैं, जो जन से हमारे साथ में हैं, आज हमको निकाल करके सड़क पर कर दिया।
आज हम सड़क पे बैठ करके भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, आभार और गुहार लगा रहे, लेकिन ये जान लें आगे के चरण में मेमडी साहब ने जिस तरीके से हमको सड़क पे धकेला है, परिवहन निगम का 55,000 कर्मचारी आने वाला समय में सड़कों पे होगा, संघर्ष में होगा, इसका खामियाजा परिवहन निगम उठाएगा, उसका जिम्मेदार परिवहन निगम का मुख्यालय होगा, प्रबंध निदेशक होगा। तो सवाल और रहेंगे, यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि आपने यहाँ पर बताया कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री परिवहन मंत्री हैं वो लगातार छापे मार रहे हैं, लगातार डग्गा बांधने का अभियान चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि डग्गा बांध लगातार चल, क्या मानते हैं जो नीति चल रही है, योजना चल रही है वो काफ़ी नहीं है या केवल दिखावा है? देखिए, मंत्री जी की और जो टीसी विभाग की है, शायद मुझे मालूम है कि मुझसे ज़्यादा डंगा मार के खिलाफ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, वो छोटा कर्मचारी जो 8,000-10,000 तनख्वाह पाता है उसका 2,000 रुपया कट जाता है, वो जलील होता है, रूट ऑफ होता है, उसको काम नहीं मिलता। मैंने बहुत लिखा है, अगर मैथमेटिक्स का प्रश्न है कि आपने गुणा भाग जो भी किया और अंक सही नहीं आया तो आपका प्रश्न और उत्तर दोनों गलत है। अगर वो जांचें, वो छापे से डंगा मार नहीं रुक रही है तो वो गलत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से आदेश किया है, क्यों गाड़ियां पकड़ी जा रही है, क्यों हो रहा है, ये तो समीक्षा सरकार ही कर ले, माननीय मुख्यमंत्री जी कर ले। आप देश के चौथा स्तंभ है, आप उस बाल की खाल को निकालते हैं, आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। मैंने साधारण तौर पर बता दिया, अंक अगर गुणा का, भाग का, प्लस का गलत आ रहा है तो कार्रवाई भी गलत है और वो जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो भी गलत है, नियत भी गलत है, ये भी कहा जा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।